क्या स्टॉक मार्केट से सच में अमीर बना जा सकता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी में। दोस्तों, आज के जमाने में ऐसा कौन है जो अमीर नहीं बनना चाहता, और अगर बात आसान तरीके से जल्दी अमीर बनने की हो तो हर कोई इस रास्ते को अपनाना चाहेगा। आपने कई बार सुना होगा कि लोग नौकरी के साथ साथ और भी कई काम करते हैं ताकि उनकी ज्यादा इनकम हो। अगर मैं कहूं कि आप भी घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? चौंक गए ना कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपने कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का नाम जरूर सुना होगा और दिमाग में सबसे पहले ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या सच में हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के अमीर बन सकते हैं। आज हमारा चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी आपको इस बारे में पूरी जानकारी देगा, इसलिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आजकल पैसा हर किसी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। हम सब चाहते हैं कि हम अपने और अपनी फैमिली की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। इसका एक तरीका है स्टॉक मार्केट, जिससे हम और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। पर सवाल यह है कि क्या स्टॉक मार्केट से हम सच में अमीर बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? इसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों को ये सट्टा लगता है और ज्यादातर लोगों के पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से लोग बिना किसी नॉलेज के कई बार किस्मत के भरोसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है किस्मत अच्छी होने की वजह से उन्हें एक या दो बार फायदा भी हो जाता हो, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हर बार साथ नहीं देती। इसलिए लोगों को नॉलेज ना होने के कारण स्टॉक मार्केट में बहुत नुकसान भी होता है, और सबके मन में ये बात बैठ जाती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से सारा पैसा डूब जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें एकदम गलत हैं। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की सही नॉलेज है और आपने सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आज मैं आपको शेयर मार्केट की एक रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। राजीव खन्ना नाम के एक आदमी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमाए थे। उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ 4 साल में 25 करोड़ रुपए कमाए थे। राजीव खन्ना ने 1986 में क्वालिटी मिल्क फूड एंड आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला और उन्होंने 1995 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी कंपनी बेच दी थी। कंपनी बेचने के बाद उन्हें बहुत पैसा मिला था और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया था। फिर 1996 में सिर्फ शौक के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था। साल 2000 में उनका पैसा 3 गुना बढ़ भी गया था। तभी उन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल लिया था। उसके बाद उन्हें पता चला कि जिस कंपनी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके पैसा निकालने के कुछ ही दिनों बाद उस कंपनी के स्टॉक्स क्रैश हो गए थे। उन्हें लगा कि उनके पैसे किस्मत से बच गए, वरना उनके पैसे डूब जाते। इसके बाद उन्होंने फिर से अपने सारे पैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिए थे। फिर 2003 में उन्होंने यूनिटेक कंपनी के बारे में रिसर्च की। यूनिटेक के बिजनेस से इम्प्रेस होकर उन्होंने यूनिटेक में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। 2004 में यूनिटेक के शेयर की कीमत 1 रुपए थी और 2008 में इसी यूनिटेक कंपनी के एक शेयर की कीमत बढ़कर 500 रुपए हो गई थी, जिस वजह से सिर्फ 4 साल में उनके 5 लाख रुपए 25 करोड़ बन गए थे। और फिर 2008 में मार्केट क्रैश होने की वजह से उन्होंने अपने पैसे वापस निकाल लिए। उनके पैसे निकालने के बाद ही यूनिटेक कंपनी के स्टॉक्स क्रैश हो गए थे। दोस्तों, कब आपको शेयर खरीदना है और कब आपको शेयर बेचना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास शेयर मार्केट की सही नॉलेज है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको शेयर मार्केट के बारे में सारी जानकारी लेनी होगी और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी के रिकॉर्ड्स को आपको स्टडी करना होगा कि पिछले साल में कंपनी को कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ। सिर्फ राजीव खन्ना ही नहीं, हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बने हैं। जरूरत है तो बस थोड़े से नॉलेज और फोकस की। मैं जानता हूँ आप कहेंगे, ओ भाई, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है, उसमें नुकसान भी हो सकता है, और अगर नुकसान हुआ तो खामखा गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। पर दोस्तों, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज है और आपको पता है कि पैसा कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो यकीनन आप भी करोड़पति बन सकते हैं। रिस्क तो हर चीज में होती है, और क्या पता एक बार रिस्क लेने से आपकी जिंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, एक बात मत भूलिए, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, शेयर मार्केट की थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते रहिए और थोड़े थोड़े पैसों से शुरुआत करते रहिए ताकि एक दिन आप भी करोड़पति बन सकें। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वाकई में पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर तो बनता है यार। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग।